बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, हाय एंड अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अपने अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। तो आज जो वीडियो जैसा कि आप देख रहे हैं फिर पार्टी ड्रेसेस की है। इनमें से कुछ ड्रेसेस हम वेडिंग में या फिर हम मेहंदी में भी पहन सकते हैं। आपने मेरी पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी बहुत पसंद की, बहुत अच्छा मुझे उसका रिस्पॉन्स आया, इसलिए मैंने सेकेंड भी वीडियो, मैंने कहा चले अपनी व्यूअर्स के लिए एक और वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इस तरह के बहुत सारे ड्रेसेस हैं। इंशाल्लाह आगे भी मैं इस तरह की वीडियोस बनाती जाऊँगी और आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। ये मेरे स्टिच हुए हुए हैं, जब मैं स्टिच करूँगी और न्यू तो फिर मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था। तो चले शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। जी व्यूअर्स, ये मेरा फर्स्ट ड्रेस है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी स्टोरी कुछ इस तरह की है। ये जो सेंटर वाला कलर आप देख रहे हैं पीच कलर, लाइट पिंक कलर है, बेबी पिंक कलर, ये मुझे बहुत पसंद था। ये मेरा एक ड्रेस था ये मैंने बनवाया था, ये मैंने ऑर्डर पे बनवाया था, इसके स्टोन वगैरह ये सारा काम करवाया था। ये भी एक फ्रॉक थी बट ये काफी खराब हो गई थी, मेरा कपड़ा ही प्योर शफून है। फिर मैंने क्या किया, इसके साथ ये मैरून की मैचिंग करके इसको, इसका ये गला कटवा के इस पे लगाया और ये देखिए मैरून का, और नीचे ये देखिए इसके बॉर्डर पे, इस पे बॉर्डर पे भी मैंने एक पिंक पट्टी लगा दी। ठीक है, तो ये पिंक के साथ कितना जबरदस्त था मैरून का एक कॉम्बिनेशन बन गया। या आप किसी भी पार्टी में, फ्रेंड की पार्टी है, कोई शाम की जैसे टी पे किसी के चाय पे जा रहे हैं तो आप ये आराम से इसको वेयर कर सकते हैं एज अ गेस्ट किसी के घर जा रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ ये जो आप देख रहे हैं दुपट्टा, ये कितना जबरदस्त था, ये बना बनाया दुपट्टा है जो मैंने इसके साथ ऑर्डर पे ही बनवाया था। तो ये इसका दुपट्टा है, इसमें भी आप देखें छोटे छोटे से ये इस पे ये बीट्स ये देखे लग जा रहे हैं स्टोन्स। बहुत खूबसूरत कलर है और बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। ये मेरा फर्स्ट ड्रेस है। जी व्यूअर्स, ये देखें ये मेरा सेकंड ड्रेस है। ये तो ऑलरेडी ही इतना जबरदस्त ब्राइट कलर है, एयरलाइन शर्ट है मेरी, और ये जो है बनारसी ये कपड़ा है और रेड गोल्डन कलर भी इतना अच्छा है, अनार कलर है, मुझे बहुत पसंद है ब्राइट कलर्स। तो ये वैसे ही इतना खूबसूरत कलर और इसका प्रिंट है कि इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ये मैंने एयरलाइन शर्ट के साथ ये मैंने चूड़ीदार बाजू जो होते हैं वो स्टिच करवाए, इसमें एक गोल्डन पट्टी लगवा दी है। ठीक है, ये इसके साथ ये आप किसी भी निकाह, किसी भी अपनी फ्रेंड का या किसी का भी है, रिलेटिव है किसी का, निकाह अटेंड कर रहे हैं या कोई शादी वेडिंग अटेंड कर रहे हैं तो आप ये उसमें ये वेयर कर सकते हैं। इसके साथ इसका ये दुपट्टा है बहुत जबरदस्त, ये भी बना बनाया है, इसमें भी ये गोल्डन पैच है, बने बनाए हैं, और ये चूड़ीदार पजामा है, ये भी बनारसी जो है कपड़े का चूड़ीदार पजामा। ये सेकंड ड्रेस है, इसका कलर बहुत ही खूबसूरत है, जैसा कि आप देख रहे हैं ब्राइट कलर है, आप ये ही पहन ले तो कंप्लीट आपकी जो है ना वो एक लुक आ जाती है। जी व्यूअर्स, ये मेरा थर्ड ड्रेस है, स्काई ब्लू कलर, बहुत प्यारा खूबसूरत सा कलर है इसका साथ। ये मुझे गिफ्ट में मिला था, ये जो ऊपर का ये शर्ट का कपड़ा था तो ये मुझे गिफ्ट में मिला था, और नीचे जो है इसके ये जो मुझे पजामा और इसका जो नीचे शमीज का कपड़ा था ये वो था। अब मैंने मुझे नहीं, मुझे डिफरेंट डिजाइन हमेशा अच्छे लगते हैं, फ्रॉक्स हैं किसी तरह मैं जो मतलब कट्स, डिफरेंट कट्स होते हैं, मुझे वो कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं एज कम्पेयर टू सिंपल शर्ट और ट्राउजर आप वेयर कर लें। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि ये आप देख रहे हैं जैसा कि शर्ट को ऊपर बनवाया है और इसका जो नीचे शमीज का कपड़ा और पजामे का कपड़ा था वो मैंने नीचे, अगर आप गौर से देखें नीचे फ्रॉक का टच दे के और ऊपर से ये शर्ट बनवा ली है। जरा उधर से सही से पकड़ो शमीज, शमीज पकड़ो उसकी, हाँ, और इसको सेंटर में ये देखें आप, ये इस तरह करके ये मतलब आप सेंटर से कमीज है और बाकी मैंने उसको यूटिलाइज इस तरह किया कि इसको नीचे फ्रॉक बना के ऊपर से ये शर्ट का टच दे दिया, और ये भी चूड़ीदार बाजू है, ये देखिए ये भी बहुत खूबसूरत लगता है पहना हुआ, काफी डिफरेंट डिजाइन है, बहुत खूबसूरत कलर है। इसका दुपट्टा भी सिंपल, ये देखिए इसका सिंपल दुपट्टा और सिंपल ट्राउजर है। ये भी आप किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में अपनी, किसी टी टाइम पे किसी घर इनवाइटेड है तो आप ये वेयर कर सकते हैं।
जी व्यूअर्स, ये मेरा थर्ड ड्रेस है, बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर है। और साथ मैंने, अच्छा ये मैंने पिंक अलग, मुझे कपड़ा अच्छा लगा था, ये मैंने अलग से लिया था, ये बना बनाया मुझे अलग गला मिला था, मुझे बहुत अच्छा लगा था ब्लैक, ये मैंने अलग लिया। और इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन, ये सेंटर में आप देख रहे हैं एक पीस लगा हुआ है, ये बिल्कुल अलग लिया था मैंने। पिंक और ब्लू का कॉम्बिनेशन भी जो है, सी ग्रीन कलर है, इसका भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, ये मैंने अलग से लिया था। और इसके बॉर्डर में देखे, ये मैंने, क्योंकि गला इसका ब्लैक है, ब्लैक वेलवेट की पट्टी लगा के और इस तरह इसको बॉर्डर दिया है, तो ये काफी अच्छा हैवी ड्रेस है। और इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है, ये देखें जैसे कि आप देख रहे हैं ये, ठीक है, इसका थोड़ा सा कॉम्बिनेशन करके, ये डार्क है तो ये लाइट पिंक के साथ, ये देखें कितना खूबसूरत इसका दुपट्टा है, ये आप देख रहे हैं जैसा कि कितनी खूबसूरत बेल है। तो ये तो आप आराम से किसी की मेहंदी का कोई फंक्शन है या कोई माइयों का फंक्शन है तो ये आप ड्रेस जो है आराम से वेयर कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इसका गला बना हुआ है और बहुत अच्छा। ये भी लंबी फ्रॉक है, इसके साथ भी चूड़ीदार पजामा और इसका दुपट्टा है। जी व्यूअर्स, ये मेरा फिफ्थ और लास्ट ड्रेस है, ये आप देख रहे हैं जबरदस्त सा मैरून कलर का ड्रेस है, मैरून प्लस ग्रीन इसका कॉम्बिनेशन है, ये काम हुआ हुआ, अगर आप इसको नजदीक से देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है। ऊपर से ये सिंपल है, इस तरह के ड्रेसेस के साथ आप हैवी कलर हैवी नेकलेस या कोई भी हार या आप उसको वेयर कर सकते हैं। ये भी मेहंदी या माइयों का ड्रेस है, इसका बॉर्डर मैंने हैवी रखा है, आप जैसा ये देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत सी मैंने इस पर ये बेल लगाई हुई है और काफ़ी घेरा है इसका, ठीक है ना। तो जैसे अगर बॉर्डर आपका हैवी है ड्रेस का और ऊपर से इस तरह सादा है, हल्का फुल्का काम है, तो आप ज्वेलरी के साथ उसको कवर कर सकते हैं। इसका दुपट्टा भी इसी तरह बॉर्डर लगा हुआ है, जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये देखें जिस तरह का, अच्छा मैं लकी रहती हूँ इस तरह कि देखें जैसे मैंने इसकी बेल नीचे लगाई हुई, ये डिफरेंट है बट इससे मैच करती हुई मुझे ये इस दुपट्टे पे, ज़ारे इतनी बड़ी बेल मैं नहीं लगा सकती थी, तो मुझे इससे मैच करती हुई ये गोटे के काम वाली ही है, ये मुझे एक मिल गई थी जो मैंने इसके चारों तरफ बॉर्डर पे दुपट्टे पे लगा ली है। तो ये बहुत खूबसूरत माइयों मेहंदी पे जो है कैरी करने वाला ड्रेस है और बहुत खूबसूरत है, इसको आप हैवी झुमके हैं या आप नेकलेस के साथ कैरी करें तो बहुत खूबसूरत लगेगा। जी व्यूअर्स, तो ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो कमेंट्स करके बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा भी इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगी। जो दिल करता है, जो आपको अच्छा लगता है पहने, फैशन जो है ट्रेंड में होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसी फैशन को अपनाएं, जिसमें आपको जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जिसमें आपको खुशी महसूस होती है, उस चीज़ को आप पहने कैरी करें, जिसमें जो चीज़ आप पहन के सुकून महसूस करते हैं, जिसमें आप इजी फील करते हैं वो आप पहने। मैं भी यही करती हूँ, आप भी यही करें। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।